मूवी का नाम है न्यू ऑर्डर और ये एक मैक्सिकन मूवी है जिसको मुझे करीब करीब 3 बार देखने के बाद 5 बार गूगल करना पड़ा कि यार ये है क्या चीज। बहुत ही ब्रूटल मूवी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा कोने में जाके देखना, अवैध चीजें भी शामिल है इसमें। मेक्सिको के एक शहर में हो गए दंगे इस बात को लेकर कि गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, तो अमीरों से अब लेंगे बदला, जिसके चक्कर में बहुत सारे आंदोलन हो गए। अब ये जो कहानी है वो घूमती है सारी की सारी दो बंदों पर, एक मैरिन और दूसरी है एलिसा। मैरिन एक बहुत अमीर कैरेक्टर है जिसकी शादी होने वाली है, पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं लेकिन यहाँ बड़ी खूबसूरती के साथ शादी की जा रही है क्योंकि बाहर पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है। दोस्तों अमीर लोग अमीर बातें। वहीं पर जो मैरिन है उनके घर का एक पुराना नौकर आता है मदद मांगने के लिए कि बीवी बीमार है भैया मदद कर दो। इस नौकर का नाम है भाई साहब रोलैंड, इनकी बीवी का नाम है एलिसा। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, परिवार से कोई मदद नहीं करता लेकिन मैरिन मदद करना चाहती है और वो अपने घर के दूसरे नौकर जिसका नाम है क्रिश्चियन उसके साथ मदद करने के लिए चल पड़ती है कि बाबू मैं करूंगी, क्योंकि उसे पता चलता है कि जो रोलैंड है उसको भगा दिया गया है वहां से। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। अब मैरिन को करनी है एलिसा की मदद, बाहर हो रहे हैं दंगे, उसको पहुंचना है और हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन जैसी कहानी दिख रही है वैसा है नहीं। इमरजेंसी लग जाती है, बहुत बड़ा कर्फ्यू हो जाता है और भाई अब सीधे लग रही हैं गोलियां। शादी में भी लोग पहुंच गए हैं जो प्रदर्शनकारी हैं, भाई उन्होंने सबको मार दिया है। मैरिन की मम्मी मर गई, पापा को गोली लग गई, बाकी जितने अमीर लोग थे किसी को लूट लिया, कोई बचा हो तो उसको गोली मार दी। बल्कि मैरिन ने अच्छा किया वहां से निकल के शादी से चली गई थी वो। अब मैरिन कहीं ले नहीं जा सकती एलिसा को क्योंकि एलिसा बहुत ज्यादा बीमार है, खुद से चल नहीं सकती, बाहर रोड ब्लॉक है। तो उनका जो नौकर है क्रिश्चियन उनके घर ही रुक जाती है और क्रिश्चियन के घर से आर्मी आकर ले जाती है मैरिन को। अब आर्मी अच्छी वाली नहीं है भाई, वो भी अब ब्लैकमेल ही करेंगे। तो भाई वहां पर वो देखती है जाके कि उनके कैंप में बहुत सारे और अमीर लोग हैं और सबको प्रताड़ित किया जाता है। भाई कपड़े वपड़े निकाल के अंदर पानी वानी डाल दे रहे हैं हर कहीं पे, फुल लंग बदन पब्लिक घूम रही है वहां पे क्योंकि भाई साहब फुल ऑन जुर्म चल रहा है वहां पे। फिर वो लोग फिरौती मांगते हैं घर वालों से जो आर्मी के, भैया हमें पैसे दो अगर आपको अपना बच्चा चाहिए तो। क्रिश्चियन को पकड़ते हैं कि जा भाई हमें दे दो तू 80,000 रुपए, हम इसको छोड़ देंगे। क्रिश्चियन वही नौकर तो वो क्या करता है लड़की के बाप से मिलता है कि 80,000 रुपए दे दो तुम्हारी लड़की आ जाएगी, बाकी जूते भी आ जाएंगे। वो 80,000 देते हैं, वो जाता है आर्मी को देता है और वो बोलते हैं तो पहली किस्त है बाबू 1 मिलियन लगेंगे तब छूटेगी। वो दोबारा घर जाता तो वहां लोगों को शक होता है कि क्रिश्चियन ने इनको पकड़ रखा है। अब आर्मी क्रिश्चियन के घर जाती है तो पता चलता है आर्मी को कि भाई उन्हीं के लोग इन्वॉल्व है। वो कैंप में जाते हैं, भाई बच्ची को बचाते हैं और लेके आते हैं क्रिश्चियन के घर, और वहां आने के बाद क्रिश्चियन और मैरिन दोनों को गोली मार देते हैं ताकि आर्मी खराब ना हो और एलन को भड़का देते हैं कि भाई गरीबों ने किया ये, नौकरों ने किया ये। और क्रिश्चियन के घर के जो बाकी के लोग हैं उसकी मम्मी हैं बाकी के पड़ोसी हैं सबको फांसी चढ़ा दी जाती है और मूवी खत्म हो जाती है भाई यहाँ पे। तो भाई मैंने गूगल करके इसका पढ़ा थ्योरी क्यों बनाई थी फिल्म, तो ये फिल्म बताती है कि जिस भी इंसान के पास ताकत आ जाती है वो अपने से नीचे वाले को तो भाई निचोड़ेगा ही। जब भी आप बुरी कंडीशंस में फंसे तो भाई अपने से शक्तिशाली को मत ढूंढिए हेल्प के लिए, अपने से गरीब को ढूंढिए, अपने से निचले वर्ग को, जिंदा बचेंगे।